व्हाट्स अप एटिंग्स गैंग, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सारे फ्लेयर पे हमारा राज 2.0। मतलब जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि यार कुछ इसी तरीके की पहले भी एक वीडियो आ चुकी थी, लेकिन ये उससे भी खतरनाक वीडियो होने वाली। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यार हम आज मतलब जो माइनक्राफ्ट की सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले पूरे वीक के अंदर मैं पबजी की वीडियोज़ ला लूँगा और अगले वाले वीक के अंदर माइनक्राफ्ट की, मतलब कुछ इस टाइप का हर वीक के अंदर होगा। तो खैर हम आ चुके थे नोवो के अंदर, और यहाँ पे मतलब नोवो या फिर जॉर्ज पुल जैसी जगह पे अगर आप कंटेनर पे ऊपर लैंड नहीं करते हो तो यार बहुत सी संभावना ये हो जाती कि आप मर भी सकते हो या फिर शायद से आपको गन भी नहीं मिलेगी, और जब तक गन मिलेगी तब तक सारे बंदे मारे जा चुके होंगे। तो यार कुछ उसी टाइप का यहाँ पे मेरे साथ सीन हो चुका था। तो यार पहले गन के लिए भटकते हैं, फिर चलते हैं बंदों के पास। और इस वाली गेम प्ले के अंदर देखना यार, जो कि मैंने बोला था 2.0 कुछ उसी टाइप का और खतरनाक वाला सीन होगा। और अगर आपने वो जो मेरी पहली वीडियो थी वो नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दिखा दूंगा, तो जाके देख सकते। तो यार आखिरकार ठीक ठाक लूट हो चुकी थी और मैं यहाँ पे आता ही हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि यार हॉट ड्रॉप पे आपको अगर गन जल्दी नहीं मिली तो किल्स भी नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे मतलब यहाँ तक आ तो चुका था, मुझे लगा था कि यार किल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे एक टीममेट को यहाँ पे एक बंदा नॉक कर देता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो पता चली थी कि एक बंदा यहाँ पे नोवे के अंदर बचा हुआ है, तो मैं उसी को ही ढूंढ रहा था। मुझे लगा कि यार सामने की तरफ होगा, लेकिन राइट साइड में मुझे फायरिंग की साउंड भी सुनाई देती और फुटस्टेप भी आने लगे थे, लेकिन मुझे लगा वो सिमेट्री के अंदर होगा। लेकिन फिर फुटस्टेप आते हैं यहाँ पे इस ब्रोकन वॉल से। तो यार इसी को भी यहाँ पे मतलब नो में और कोई नहीं मिला था मुझे, सारे बंदे यहाँ पे मारे जा चुके थे जैसे कि मैंने बोला था। तो यार यहाँ पे भी मुझे फ्लेयर मिल जाते और यहाँ से हम सीधा निकलेंगे मिलिट्री बेस के लिए। लेकिन जो कि मेरा ये एक नंबर टीममेट था ना, मुझे इसके साथ मतलब ये स्कैम लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर आप पूरी वीडियो देखोगे ना तो यार आपको लास्ट में पता चलेगा कि यार मतलब ये देखो ये बॉट किसी को भी दिखा हो तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता, लेकिन इस बंदे को दिखा। तो कुछ उसी टाइप की फीलिंग मुझे भी आ रही थी कि यार ये बंदा हैकर है, लेकिन खैर हम आ चुके थे मिलिट्री बेस के अंदर। और यहाँ पर देखना यार, हम मिलिट्री बेस के अंदर पहुंचे भी नहीं थे लेकिन तब तक ये बंदा यहाँ पे मार्क लगा देता है कि सामने बंदे, और फिर आखिरकार फायरिंग की साउंड भी सुनाई देती है। लेकिन यार मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि मुझे मतलब अभी तक मुझे गेम जब मैं खेल रहा था तब तक मुझे नहीं पता था कि यार ये बंदा कुछ स्कैमर है। तो मैं गन की साउंड सुन के इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ और यहाँ पे देख रहा था कि यार बंदे दिख जाए, तभी लेफ्ट से फायरिंग आती है। तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर बंदे होंगे लेकिन मुझे कोई नहीं दिखता, तभी राइट से फायरिंग होता है। तो मैंने सोचा कि यार पहले इस राइट वाले को देख लेते हैं जो कि M7 चला रहा है, लेकिन यार यहाँ पे मेरे साथ हो जाता है स्कैम, मतलब यार बहुत लैग हो रहा था, तो इसलिए ये बंदा सामने होते हुए भी मैं नहीं मार सकता, क्योंकि अगर मैं सामने जाता उसके तो वो बंदा मेरे नॉक फिनिश बजा देता। खैर मेरे टीममेट ने यहाँ पे इसे नॉक तो कर दिया, तभी सामने की तरफ मुझे एक बंदा दिख जाता। मैं उसे फायरिंग करता हूँ कि शायद से वो बंदा यहाँ पे नॉक कर सकूँ, लेकिन कवर में जा चुका था। फिर से फायरिंग करता हूँ मैं कि क्या पता कुछ डैमेज दे सकूँ, पर यहाँ पे हो चुका था स्मोक। तो यार फटाफट से थोड़ा क्लोज इन कर लेते जिससे कि ये बंदे मतलब जो हमारे टीममेट ने नॉक किया हुआ बंदा था वो रिवाइव ना हो पाए। लेकिन यहाँ पे ये दो ही बंदे थे तो यार आखिरकार ये दो बंदे फिनिश हो जाते हैं। लेकिन उसी के बाद हम आते हैं इस तरफ पुलिस स्टेशन की ओर, क्योंकि यहाँ पर चली थी फ्लेयर। और आप देखोगे पूरे गेम प्ले के अंदर कि हर एक बंदे के पास ड्रॉप की लूट थी, फ्लेयर की लूट थी, हर एक बंदे के पास फ्लेयर होगी।
खैर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे लगा था कि यार ये बंदे वहाँ पे टीपीपी ले रहे होंगे और कुछ नेट वेट डालूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार ओपन से जाता हूँ, एक रिस्क लेता हूँ और इन बंदों को नॉक कर दूंगा। लेकिन यार यहाँ पे फिर से मेरा एम ग्लिच हो जाता, तो इसकी वजह से वो बंदे मुझे नॉक कर देते। लेकिन यहाँ पे स्क्वाड वाइप होगी, लेकिन मेरे टीममेट्स की वजह से। अब ये दो बंदे फटाफट से घुस जाते हैं। तो यार आखिरकार बस दो ही बंदे बच चुके थे उनके, और उन बंदों ने हमारा एक टीममेट नॉक फिनिश कर दिया था। तो फटाफट से हिल करते और रश मार देते उन पे। अब यहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार यहाँ बाहर बंदा है, लेकिन नहीं था। तो मैंने फिर से वेट किया कि यार वो दो बंदे अगर रश मारेंगे मेरे टीममेट तो कोई तो यहाँ से कूदेगा, लेकिन कोई कूदता ही नहीं। और यहाँ पर एक भी किल मुझे नहीं मिला, हालांकि यहाँ पे आ जाते दो बॉट। तो यार इस लैग की वजह से ना ही मैं अच्छे से खेल पा रहा हूँ, ना ही कुछ और। खैर यहाँ पे ठीक ठाक लूट कर लेते हैं। और फिर मेरे टीममेट ने भी यहाँ पे चला रखी थी फ्लेयर, तो यार उसे भी लूटते और फटाफट से चलते जोन के अंदर। और यहाँ से मुझे M249 भी मिल जाती है और MK भी मिल जाते हैं। लेकिन आगे आगे देखना होता है क्या, मेरे पास दो फ्लेयर थी तो वो भी हम चलाएंगे, लेकिन जोन में जाने के बाद। और जाते जाते M249 भी रिलोड कर लेते हैं। और देखो गाइस, मतलब आधे से ज़्यादा गेम ख़त्म होने को आया है, लेकिन ये एक नंबर अभी भी शॉटगन चला रहा है और DP। मतलब हर एक चीज़ में मुझे ये बंदा स्कैमर ही लग रहा था। खैर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या लगा। अब यहाँ पे मैं आता हूँ ब्रिज क्रॉस करने के लिए, कि हमें लगा था कि यार बंदे यहाँ पे होंगे, कैंप वैम्प करेंगे होंगे, क्योंकि मिलिट्री बेस के अंदर चल चुकी थी 2-3 फ्लेयर, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। तो हमने सोचा कि यार अगर कोई बंदा यहाँ पे ब्रिज कैंप नहीं कर रहा है तो यार हम ही कर लेते और बंदों को बुला लेते यहाँ पे। और वो कैसे बुलाएंगे ये यहाँ पे मैं आपको निंजा टेक्निक बताऊंगा। खैर मैंने यहाँ पे अपना 6x एडजस्ट कर लिया, क्योंकि इसका भी स्प्रे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैंने कहा कि यार टीममेट को यहाँ पे रोक दे और मैं चलाऊंगा यहाँ पे अपनी दोनों भी फ्लेयर, जिससे कि बंदे सारे अट्रैक्ट हो। तो ये रही हमारी निंजा टेक्निक। और जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लेयर चला रहा था, पता नहीं इस एक नंबर को कहाँ से बंदे दिख चुके थे। अब मैं भी देखता हूँ कि यार कहीं पे तो मुझे थोड़ा सा तो दिख जाए कि मैं किल बटोर सकूँ, क्योंकि अभी तक यार किल ही नहीं मिले थे मुझे। खैर अब दिख जाती है एक बाइक, यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि यार थोड़ा सा डैमेज दे सकूँ, लेकिन वो बंदे भाग जाते हैं वहां से। और तभी मेरा एक टीममेट लगाता है मार्क, और यहाँ पे देखना मतलब एक टैप टैप ही समझ लो, लेकिन समझ लो यार। लेकिन हाँ मैंने जो बोला था कि यार 6x स्प्रे दिखेगा आपको M249 का, लेकिन ये वो वाला नहीं था, आपको आगे आगे दिखेगा। खैर यहाँ से मुझे ये ड्रॉप भी आ चुका था और यहाँ से मुझे मिल जाते AWM। तो फटाफट से लेते MK को फेंक देते हैं। क्योंकि यार जब से मैंने मतलब ये कोरियन वर्जन डाउनलोड किया है ना, तब से मैंने सोचा कि यार बहुत लोग स्नाइपिंग करते हैं तो हम भी स्नाइपिंग करेंगे, इसलिए मैं हर बार मतलब जब मुझे पॉसिबल होगा तब मैं स्नाइपर ज़रूर उठाऊंगा। खैर अब यहाँ पे एक और ड्रॉप आने वाला था, लेकिन मेरे टीममेट्स को नहीं पता था कि यार ड्रॉप आने वाला है। और जैसे ही पता चला यार ये बंदे रुक गए, मुझे लगा था कि यार निकल जाएंगे, कुछ लूट वूट मैं कर लूँगा अकेले ही, लेकिन ये भी बंदे रुक जाते।
फिर इस ड्रॉप के साथ कुछ टीमें भी आ रही थी, लेकिन वो हमें नहीं पता था। तो हमने सोचा कि यार ड्रॉप लूट लेते हैं, लेकिन तभी आ जाते मुझे गाड़ी की साउंड। तो एक गाड़ी आ चुकी थी सामने की तरफ और एक लेफ्ट से कहीं तो चले जाते हैं, लेकिन तो यार जैसे कि मैंने बोला था, वो भाई पीछे से पड़ने लगी। तो यार जो कि मैंने बोला था कि लेफ्ट से टीम आएगी, वो लेफ्ट में पीछे की तरफ रुक चुकी थी और सामने एक टीम थी। तो यार जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे सिक्स स्प्रे तो दिखा, तो यार ये पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर। अब फटाफट से रश मार देते पहले इस बंदे को थोड़ा तड़पा। अब मैंने थोड़ी सी फायरिंग इसलिए की कि यार ये बंदा अपने टीममेट को चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि यार आ जा, जिससे कि हम आसानी से उसे कवर के बाहर ला सकें और आसानी से मार सकें। लेकिन यहाँ पे देखो, मतलब उस बंदे के पास यमके थी, फिर भी ये एक नंबर उसे नॉक कर देता। खैर मैं इसको भी सता रहा था कि यार ये अपने टीममेट की पोजीशन बताए या फिर उन्हें बुला ले, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। तो थोड़ी लूट कर लेते हैं और अपनी M249 रिलोड भी कर लेंगे। यहाँ पे मेरे तीन नंबर वाले टीममेट को सामने की तरफ, मतलब जो कि मैंने बोला था कि यार लेफ्ट में पीछे की तरफ बंदे थे, वो स्पॉट हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि यार कुछ AWM शॉट्स उन्हें दे दूं। अब यहाँ से मतलब ये हल्का सा बच जाता है, लेकिन अब देखना एक AWM ओपी शॉट, पट से हेडशॉट। और यहाँ पे इसी के साथ ये बंदा नॉक हो गया। लेकिन पहले मैंने सोचा कि यार अपने टीममेट को रिवाइव कर लेता हूँ, फिर रश मार देंगे। तो यार हमने यहाँ पे रश तो मार दिया, लेकिन ये तीनों के तीनों बंदे नॉक थे। इनका आखिरी वाला बंदा पता नहीं कहाँ पे था। तो फटाफट से लूट कर लेते हैं क्योंकि जोन भी आने वाली है और बहुत हेल्प खाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार हम कर रहे हैं गिव अवे Redmi Note 10 Pro। तो उसमें शामिल होने के लिए आपको बस यही करना है कि फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, पूरी वीडियो देखनी है ये वाली, और लाइक भी कर देना है और कमेंट करना है जो कि मैंने बोला था कि ये बंदा हैकर है, या जो भी मैंने बोला था कि यार आपको क्या लगता है कमेंट करो। तो आप कमेंट भी करना है और लाइक भी कर देना है। और आखिरकार बस एक लास्ट चीज़ करनी है, वो है कि आपके कोई भी दो फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करनी है और उनको बोलना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। और हाँ गाइज, मैं उसका विनर, मतलब जो हमारे गिव अवे का विनर, मैं अनाउंस करूँगा 250 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर वेट कर लिया था, लेकिन कोई भी यहाँ पे नहीं मिलता। तो हमने सोचा कि यार सामने वाली पहाड़ी के ऊपर चलते, लेकिन थोड़ा इधर उधर भी भटक लेते हैं, शायद से इन घरों के अंदर भी हमें बंदे मिल जाए। पर यार बहुत देर भटकने के बाद हमें कोई भी नहीं मिलता। अब यहाँ पे सामने की तरफ आखिरकार हमें, मतलब मुझे भी दिख जाती है कि बंदों के साथ साथ यहाँ पे दो US भी लड़ाई कर रहे थे, मतलब फाइट हो रही थी उनकी और फायरिंग भी आने लगी थी अब। लेकिन यार मतलब ये देखो यार स्कैम, हर बारी मतलब जब जब आपकी मौत सामने हो ना, तो यार ये डासिया कसम से पलटी खा जाएगी। तो आपके साथ भी बहुत बार होगा, मतलब हो ही गया होगा ना। तो यार फटाफट से आपका वो सीन मुझे कमेंट में आप ज़रूर बता सकते हो। अब यहाँ पे सामने की तरफ कुछ लड़ाई चल रही थी, लेकिन ये एक नंबर पता नहीं इसे कैसे दिख रहा था, लेकिन खैर यहाँ पे हम कुछ किल बटोर पाते तब तक ये एक नंबर हमारा सारे किल चोरी भी कर चुका था और बंदों को मार भी चुका था और जोन भी आ चुकी थी। तो फटाफट से चलते जोन के अंदर। अब जैसे ही जोन के अंदर आया, मैंने सोचा कि यार ये बंदे को ड्राइविंग के लिए दे दूँ, मतलब ये बहुत तरस रहा था कि यार मुझे ड्राइविंग चाहिए ड्राइविंग चाहिए। तो मैंने रोक दिया और ड्राइविंग के लिए इसे दे दिया, लेकिन तभी
लेफ्ट से फायरिंग होती है। और भाई जब तक वो बंदा मुझे दिख पाता तब तक यार ये बंदे मुझे मार चुके थे। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे देखना ये बंदे के साथ खेले और ये MVP बना है, लेकिन उसे एक नंबर के दिखना किल और उसके साथ हो गया होगा स्कैम। खैर आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलिएगा। जो नए बंदे वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, गिव अवे के अंदर एंटर करना मत भूलिएगा। और ये देखो यार यहाँ पे उस एक नंबर के 12 किल, लेकिन फिर भी वो MVP नहीं बना। मतलब कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है दया। खैर सायोनारा।